में 10 घंटा की 5 घंटा भी बिजली यहाँ नहीं है। कांटी में थर्मल पावर है और कांटी में बिजली नहीं, यही तो रात को भी कट जाता है, रात में भी नहीं रहता है बिजली। अब किसको कहा है, किसको किसी को कहने ना, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, किसको कहेंगे। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तार जो है एक सप्ताह से काफ़ी गर्मी जो है लोगों की काफ़ी जो है मुश्किलें पैदा कर रही है। ऐसे में जो है नगर परिषद कांटी और ग्रामीण इलाकों में जो है बिजली की किल्लत से लोग काफ़ी परेशान है। वही बिजली विभाग के द्वारा कोई पहल इस पर देखा नहीं जा रहा है। वही स्थानीय लोगों के द्वारा इस पे सवाल किया गया कि बिजली आप लोगों को सही समय पर मिल रहा है या नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 4 से 5 घंटा ही हम लोगों को बिजली मुहैया कराई जा रही है। आगे क्या कुछ कर रहे हैं जनता खुद सुनिए। बिजली की स्थिति तो यही है कि 24 घंटा में 10 घंटा की 5 घंटा भी बिजली यहाँ नहीं है। कांटी में थर्मल पावर है और कांटी में बिजली नहीं, यही तो सरकार का नीति है और नियम है। जनता यहाँ गर्मी से परेशान है, धूप से परेशान है भाई। कांटी में थर्मल पावर, छाई यहाँ के लोगों खाता है, पानी यहाँ के लोगों को जाता है, बस यहाँ अभी 7 से 8 घंटा 6 घंटा से 7 घंटा बिजली मिल रहा है। काफ़ी परेशानी बना हुआ है जी। नाम सुरेंद्र मिश्रा हुआ। बिजली 7 से 8 घंटा मिल रहा है, जब 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 जो गर्मी बढ़ता है तब तब बिजली गायब हो जाती है। परेशानी इतना है कि क्या बताए, सब लोग तो इन्वर्टर लगा नहीं सकता है, इसलिए बहुत दिक्कत है बिजली का। गर्मी में जैसे तैसे जी, जैसे तैसे इधर उधर भाग भाग कर रात रात भर जाग के रह रहे हैं। अजीत कुमार। बिजली का समस्या यही कहेंगे सर, जो यहाँ पर बिजली का बहुत दिक्कत है, बिजली टाइम टाइम से आता नहीं है, जब है तब आता है। और बिजली के साथ साथ यहाँ छाई का भी समस्या है, दिन भर दुकान बंद रहता है यहाँ पर। किस बिजली का समस्या तो 2 महीना से बना हुआ है, कोई इस पर सुनवाई नहीं है। कहाँ रात को भी कट जाता है, रात में भी नहीं रहता है बिजली। अब किसको कहा है, किसको किसी को कहने ना, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, किसको कहेंगे। कोई नेता को कहेंगे, कोई सुनवाई नहीं है। किसी को कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इतना इतना बिजली बिल आता है, मीटर चेक कीजिए, मतलब ये पिछले 29 तारीख को 500 का रिचार्ज किए, 668 रुपया के कारण कट गया, उसका प्रूफ है। और उसके बाद 3 दिन बाद आ रहा है जितना 2223 रुपया का उसका माइनस हो गया, 100-150 के माइनस में बिजली कट जा रहा है। 2200 रुपया 3 दिन के अंदर 2200 का बिजली कहीं जल रहा है, ऊपर से सही से बिजली भी नहीं मिल रहा है। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। यहाँ बिजली का बहुत काफ़ी किल्लत है। यहाँ बिजली तो 24 घंटा में मान के चलिए 5 घंटा से 6 घंटा रहता है। दूसरी नंबर बिजली बिल इतना हार्ड आता है जो पब्लिक देने में भी नहीं सकता है। अब बिजली का स्थिति तो देखिए रहा है, सिर्फ 24 घंटा में 4 से 5 घंटा ही रहता है। गर्मी में क्या करें, अब आदत पड़ गया हुआ है, माटी में सोख सोख के रहते हैं, रात रात भर सोते नहीं है, बिजली नहीं रहने के कारण। हाँ, 5-6 दिन से, 1 सप्ताह से खराब है पूरा बिजली। विकास कुमार। लाइन भाई तुनते अब तुनते कट जाए थे, 2-2 घंटा 3-3 घंटा गायब रही थे, लगभग ये 15-20 दिन से परेशानी है। गर्मी में कैसे रहते हैं? गर्मी में हमसे बाहर दूरा दौड़ छत और दूरा दौड़ छत करे से सही करे की करूँ तो आँ जाग जा के लोग बयान करे थे इतना। कौन सा जगह हुआ? कांटी हुआ, कांटी कोठियाँ खराब है, उसके बाद बिजली जहीं से तहीं का बिल आ रहा है। स्मार्ट बिजली भी ठीक ढंग से नहीं, बिजली भी सही ढंग से नहीं आ रहा है, मात्र 5 से 6 घंटा का सर्विस हो रहा है अभी, बस यही सुविधा है। नाम धर्मेंद्र कुमार कुठी। ये आपने सुना कि साफ तौर पे स्थानीय लोगों का कहना है कि हम सभी को जो है डिजिटल मीटर से भी काफ़ी परेशानी है, हम लोगों को जो है पैसा डालने के बावजूद भी बिजली सही समय पे नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो है लगातार जो है लोगों में काफ़ी नाराजगी है बिजली विभाग को लेकर। वही इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले जाए दीजिए, धन्यवाद। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।